सांबा जिले की विजयपुर तहसील के गांव गढ़वाल से आज सुबह गांव के नौजवानों की जानिब से श्री माता वैष्णो देवी श्राइन कटरा तक का पैदल सफर शुरू किया गया। ये लोग श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद वापस लौटेंगे और इस मौके पर उन्होंने नौजवानों को मंचिया से दूर रहने का पैगाम भी दिया। चलो चलो अस सांबा डिस्ट्रिक्ट के विजयपुर गरोवाल ग्रां के निवासी सारे यूथ मिली है वैष्णो देवी की पहली यात्रा पैदल यात्रा जी अखंड ज्योति करने अस इतू गरोवाल ली है तो कटरे तक जी है पैदल यात्रा करनी है माँ के धाम तक और सारे लोगों की साढ़ा इे संदेश है युवा लोगों की देश के दे प्रति और अपनी माता राणी के प्रति लगन रखो और नशे को दूर रहो। जय माता दी। ऑस्कर्स में हिंदुस्तान का जलवा देखने को मिला। फिल्म आरआरआर के नकमे नाटू नाटू को ऑस्कर मिला है। इस नकमे को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का खिताब मिला। हिंदुस्तान की एक डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म को भी अवार्ड मिला। द एलिफेंट विस्परर्स नामी शॉर्ट फिल्म को ऑस्कर मिला है। इसको बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री फिल्म का अवार्ड दिया गया। ऑस्कर्स पर हिंदुस्तान को मिली इस कामयाबी पर फिल्म सनत में खुशी की लहर दौड़ गई है। I feel very proud, sir, to see our Kiravani garu and Chandrabose garu receiving it. The most proudest moment of my life. I was very confident that Bose will get this award. When this new year entered, the first thing, first wish I wrote and gave in a empty paper that you are going to win Oscar award. For this is a great achievement of Chandra Bose, but I feel I should dedicate this for my late mother-in-law and the father who is alive. I really thank Rajamouli sir and his wife Rama Rajamouli and Kiravani garu and his wife Valli garu for making a great team and for choosing Chandra Bose to write this song. This is very exciting for not only our family or any family members of the crew, but it's an amazing moment for the entire country, to be honest. Yeah. So how do you want to share this experience? How do you want to share it? It's all very exciting. I mean, it is not true. This is all surreal for everyone. Like, we were all happy with the nominees and we were all happy with whatever awards we were getting in the beginning. And this is all just so much. बहुत बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरे ख्याल से ये अपने आप में बहुत बड़ी जीत है हम सबके लिए पूरे भारतवर्ष के लिए सबके लिए मेरे ख्याल से कि दो अवार्ड आज मिले ऑस्कर मिले हैं नाटू नाटू के लिए और एलिफेंट विस्पर के लिए बहुत दर्शाता है कि किस तरह का हमारा इंडियन सिनेमा जो है ग्लोबली कितना लोग इसे सराहते पसंद करते हैं। जो आर्ट होती है जो कला होती है उसकी कोई सीमा नहीं होती इसकी कोई बाउंड्री नहीं होती है और आज मेरे ख्याल से ये साबित होता है कि अच्छा कंटेंट अच्छा गाना है जो रिलेट करता है और ऑस्कर आज मिला। मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा पूरे आरआरआर टीम को राजा मौली सर को केरवानी सर को वन ऑफ माई फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर है वो और बहुत ही अच्छा बधाई दूंगा पूरी टीम को और गुनीत मुंगा जी को कि उन्होंने एलिफेंट विस्पर्स के लिए भी उनको ऑस्कर मिला। कि गुनीत मुंगा हमेशा ही अलग टाइप का सिनेमा अलग टाइप का फिल्म बनाती वो लंच बॉक्स से हम शुरू करेंगे तो बहुत सारी उन्होंने फिल्में बनाई तो बहुत बहुत बधाई दूंगा उन दोनों पिक्चर की टीम को। वो तो मुझे पहले लग रहा था कि जहां भी ये जाएगा वहां से इनाम लेके आएगा और अब इसको ऑस्कर मिला है। बहुत बहुत मुबारकबाद है म्यूजिक डायरेक्टर को और पूरे पिक्चराइजेशन को बहुत अच्छा पिक्चराइज भी किया है और टोटल एक खूबसूरत ये आइटम है। मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूं कि हमारे इंडिया को एक बार फिर ऑस्कर म्यूजिक में प्राप्त हुआ। जो गाना पहले आया था रहमान को मिला था और अब करीम को मिला है। बहुत मुबारक। ये बहुत ही एक प्राउड मोमेंट है इंडियंस के लिए कि एक गाना ऐसे इसको एक इंटरनेशनल स्टेज पे और ये एक ही जगह नहीं ये इस गाने में देखिए
जो खासियत है ये जहां भी बज रहा है वहां पर लोगों का रिएक्शन एक ही है। मैं से डांस नहीं होता तो मैं तो उठ के डांस भी करता इस गाने के साथ, इसमें जोश इतना है इस गाने में। और जैसे एग्जीक्यूट किया हुआ है, जैसे शूट किया हुआ है, पहले आपने जो म्यूजिक दिया हुआ है, जो इसका पूरा क्वालिटी है म्यूजिक का, उसके बाद इस फिल्म इस गाने को शूट करना बहुत मुश्किल है जिस तरीके से उन्होंने शूट किया हुआ है। मैं तो बहुत ही उनको क्रेडिट देता हूँ और मैं सोचता हूँ कि यार काश मेरे को ऐसा गाना मिलता और मैं अगर इस तरीके से शूट कर सका, जो शायद नहीं कर सकूंगा कभी। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।